हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सेकेंड ईयर के लिए बनाया है, जिसमें कि मैं पार्ट वन पार्ट टू बना चुका हूँ और दूसरा मैं बनाने जा रहा हूँ। आवेश से ही रिलेटेड है ये वीडियो, जिसमें मैं आवेश के आधारभूत गुणों को बताऊँगा और दूसरा टॉपिक होगा गुलाम का नियम। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, अगर आप लोग अच्छे से समझें और देखें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो कुछ भी, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आवेश के आधारभूत गुण। आवेश के आधारभूत गुण बेसिक प्रॉपर्टी है। Of electric charge, basic properties of electric charge. तो पहला क्या है? आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण। आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण, आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण मतलब क्या होता है कि समान आवेश समान आवेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। समान आवेश में प्रतिकर्षण का मतलब क्या है? जैसे कि अगर प्लस क्यू और प्लस क्यू है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। माइनस क्यू और माइनस क्यू, क्यों हम आवेश को सूचित करने के लिए लिखते हैं कि प्लस क्यू और प्लस क्यू दोनों समान आवेश हैं, ये दोनों समान आवेश हैं, तो ये दोनों में कौन सा गुण होगा? प्रतिकर्षण का। दूसरा आता है समान, समान के बाद होता है असमान आवेश। असमान आवेश में क्या होगा? आकर्षण होगा। असमान आवेश का आकर्षण का मतलब, अगर हम प्लस क्यू लिखें और माइनस क्यू लिखें, तो ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, मतलब ये दोनों में आकर्षण होगा। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण। दूसरा, सबसे पहले क्या बोले? आवेशों के आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण। सबसे पहले बोले समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, यानी कि प्लस आवेश है तो प्लस प्लस दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस है तो दोनों प्रतिकर्षित करेगा। और असमान आवेशों में क्या होगा? आकर्षण, यानी प्लस और माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। दूसरा है विद्युत आवेशों की योज्यता का गुण। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका क्या कहना है? किसी विशाल वस्तु पर किसी विशाल वस्तु पर कुल आवेश का मान, उसके विभिन्न भागों पर आवेशों के योग के बराबर है। क्या बोले? किसी विशाल वस्तु पर अगर कुल आवेश है, तो आवेश का जो मान होता है उसके विभिन्न भागों पर आवेशों के योग के बराबर होता है। मतलब कोई विशाल वस्तु है, उस वस्तु का अलग अलग भाग है, तो सभी भागों का आवेश अगर हम जोड़ेंगे तो उस विशाल वस्तु पर जो कुल आवेश होगा उसके मान के बराबर होगा। इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत आवेशों की योज्यता का नियम। तीसरा है आवेशों का संरक्षण सिद्धांत। कंसर्वेशन लॉ, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंसर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब क्या होता है?
कि किसी विलगित निकाय में किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश का मान हमेशा नियत रहता है, विलगित निकाय में हम फर्स्ट ईयर का जो वीडियो बनाया है उसमें निकाय के तीन प्रकार होते हैं, एक होता है खुला निकाय, एक बंद निकाय और एक होता है विलगित निकाय। तो आप उसमें जाकर फर्स्ट ईयर के वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा कि विलगित निकाय क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम इसको बोलते हैं। ऐसे हम थोड़ा सा बता देते हैं, ऐसा निकाय जो कि क्या होता है बाकी वातावरण से अलग होता है उसी को हम लोग विलगित निकाय कहते हैं। तो यहाँ आंसर कह रहे हैं कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश होता है हमेशा नियत रहता है अर्थात ये परिवर्तित नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं आवेशों का संरक्षण सिद्धांत। इसके बाद नंबर आ जाता है विद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण। चौथा क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेशों का क्वांटमीकरण, इसका कहना है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश का जो मान होता है मूल आवेश, मतलब E का पूर्ण गुणज होता है, इसका क्या कहना है कि कुल आवेश का मान, मान लेते हैं ये वस्तु है, इस वस्तु पर हम पूरे आवेश कुल आवेश का मान अगर निकालेंगे तो इस वस्तु पर जो भी आवेश जो होता है ना, आवेश ऐसे नहीं होता, आवेश छोटे छोटे चीजों पर होता है जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों पर जो आवेश होता है उसको मूल आवेश मानते हैं लोग ई, और ई का मान होता है 1.6 × 10⁻¹ कूलम। तो यही कह रहा है कि इस मूल आवेश का वो पूर्ण गुणज होगा, मतलब Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ पर E क्या है, E है मूल आवेश और इसी मूल आवेश का मान अभी हम बता रहे थे 1.6 × 10⁻¹ कूलम। ठीक है, तो अगर हम प्रोटॉन के लिए लेते हैं तो प्लस आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे तो माइनस आवेश होगा, और एन तो आप लोग नेचुरल नंबर जान ही रहे हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो यही पूर्ण गुणज होता है, यानी किसी भी वस्तु पर कोई भी वस्तु है उस पर अगर हम आवेश को भी आवेश अगर हम प्लस लेते हैं प्रोटॉन के बारे में सोचेंगे, माइनस लेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचेंगे, तो ये प्लस आवेश होता है, यानी कोई भी आवेश हो उस वस्तु पर उस आवेश का पूरा आवेश का जो मान होगा वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज, मतलब कंप्लीट उसको गुणा करके निकाला जा सकता है। ठीक है, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश के मान को निकाला जा सकता है। उसके बाद आता है विद्युत आवेश की अचरता, पांचवा पॉइंट है विद्युत आवेश की अचरता, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका क्या कहना है, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान हमेशा नियत रहता है, वस्तु चाहे वस्तु किसी भी अवस्था में ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई भी वस्तु मान लेते हैं कि ये वस्तु है और इस वस्तु पर अगर ये वस्तु क्या है विराम अवस्था में, तो
विराम अवस्था में मान लेते हैं इस तरह से 5 गुना, और अगर ये वस्तु अब गति करने लगे, ये वस्तु अब गति कर रहा है, तो क्या होगा, इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसका आवेश फिर से 5 गुलाम ही होगा। यानी कि अगर हम इसको 5 गुलाम यहाँ हम लोग लिखते हैं, और इसको लिखते हैं Q1, इसके आवेश को लिखते हैं Q2, तो दोनों का मान क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनवेरियंस, यानी विद्युत आवेश की अचरता। यानी किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान हमेशा नियत रहता है, चाहे वस्तु किसी भी अवस्था में हो, मतलब रुकी हुई हो या गति में हो, रुकेगी या गति में हो, अगर रुकी हुई है 5 गुलाम आवेश चलने लगे तो वो भी 5 गुलाम ही होगा उसका आवेश, कोई आवेश में परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं कि चलने लगे तो कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम में देखिए क्या है, दो आवेश ले लेते हैं, बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण, परिमाण मतलब हो गया जितने बल से वो उसको खींच रहा है या जितने बल से वो धकेल रहा है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की जो दूरी होगी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब नहीं जान रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर का जो वीडियो हम बनाए हैं उसमें समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दोनों का मतलब अच्छी तरह से समझाया गया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में हैं, इसमें इस तरह का डिटेल नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं लेकिन पहले आप लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। पहले आप इसको समझें, क्या लिखा है, दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन के तौर पर समझते हैं, ये एक्सप्रेशन इसका क्या हो, व्यंजक जिसको बोलते हैं आप, व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो दो बिंदु आवेश लेते हैं, एक बिंदु आवेश यहाँ, एक यहाँ, ये दोनों बिंदु आवेशों पर एक का नाम ले लेते हैं हम लोग Q1 और दूसरे का Q2, दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग मान लेते हैं r। तो दोनों के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होगा हम लोग उसको ले लेते हैं f। अब कह रहे हैं कि पहला पॉइंट इसमें क्या है कि दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो f है वो Q1 × Q2 के समानुपाती होता है। ऐसे हम बता देते हैं समानुपाती का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी एक को बढ़ेगा तो बल का परिमाण बढ़ जाएगा, इसी को समानुपाती बोलते हैं। और यहाँ पर होता है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का, तो बीच की दूरी यहाँ पे क्या है r, r का हम लोग वर्ग लिखेंगे तो स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती यानी बटा में लिखा जाता है उसको। अब व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है कि अगर दूरी बढ़ती है तो बल घटेगा, दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा, इसमें एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, हमेशा ये बढ़ेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि जस्ट उल्टा होता है, दूरी बढ़ेगी तो घटेगा, दूरी घटेगी तो ये बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। अब इन दोनों को अगर हम साथ में ले तो साथ में समानुपाती के साथ मिले तो Q1 और Q2 बाय होगा आर स्क्वायर। अगर हम समानुपाती से इनको हटा दे तो एक नियतांक आता है आर स्क्वायर। तो यहाँ पर K क्या है, K है समानुपाती नियतांक, और इस समानुपाती नियतांक का होगा 1/4πε0, और इसका एक मान होता है नियत मान 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, बस ये मात्र होता है।
बस इतना ही है। दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही कथन ही कूलॉम का नियम कहलाता है। तो इसमें हम व्यंजक भी बता दिए, इसका मान आप लोगों को याद रखना होगा। अब इसके आगे फिर अगले वीडियो में वेट कीजिए, हम बनाते रहेंगे। गुड नाइट।